जसपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल ने गोठान में चलाई चारा मशीन और सीएम ने चारा काटकर गोठान की गायों को चारा भी खिलाया। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जसपुर पहुंच चुके हैं और सीएम भूपेश बघेल ने गोठान में चारा मशीन भी चलाई और साथ ही गायों को चारा भी खिलाया। जसपुर में वनोपज संग्रहालय उत्पादन की अपार संभावनाएं देखी जा रही हैं। तो सीएम भूपेश बघेल जसपुर के दौरे पर हैं, जहां सीएम ने चारा काटकर गायों को खिलाया। स्व सहायता समूह के वनोपज उत्पादन की जानकारी भी ली। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जसपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जसपुर पहुंच चुके हैं और गोठान में चारा मशीन चलाई और साथ ही चारा काटकर गायों को खिलाया। स्व सहायता समूह के वनोपज उत्पादों की जानकारी भी ली और जसपुर में वनोपज संग्रहण उत्पादन की अपार संभावना है, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। जसपुर में वनोपज संग्रहण उत्पादन की अपार संभावना है, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जसपुर की, जहां पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे और फीता काटकर शुभारंभ किया गया, जहां उनके साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मोबाइल हटा दीजिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी की हमारे साथ में संवाददाता मिथिलेश साहू जुड़ गए हैं। मिथिलेश, चारा काटकर गायों को खिलाया और साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वनोपज संग्रहण उत्पादन की अपार संभावना है यहाँ पर, और क्या कुछ कहना था सीएम का? संपर्क टूट गया है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और अब खबर ग्वालियर से है।